बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मिस नादिया। आई एम गोना टीच यू सोशल स्टडीज इन क्लास 8, बट आई एम गोना टीच यू अ बुक ऑफ अ क्लास 9 पाकिस्तान स्टडीज इन क्लास 8। द बुक नेम इज सिंटेक्स बुक फॉर जाम शुरू। लेट्स कंटिन्यू। द ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द रोड एंड द सी जर्नीज। ठीक है, आपके पास पुराने ज़माने में अगर हम बात करें कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था आपके पास, ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास था वो हमारे पास हमारे रोड से हमारे पास रास्ते मौजूद थे। प्रॉपर रोड नहीं थे मगर रास्ते मौजूद थे जिससे हम सफ़र करते थे या समंदर के ज़रिए से हम सफ़र करते थे। इट टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच वन प्लेस टू अनदर। ये बहुत ज़्यादा वक्त लेता था क्योंकि प्रॉपर रास्ते ना होने की वजह से बहुत वक्त लग जाता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन इम्प्रूव। जैसे जैसे आपके पास आपके दौर है हर ज़माने में जिद्दत आती चली गई, साइंस और टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती चली गई, उस तरह आपके पास सफ़र करने के निज़ाम में भी बेहतरी आने लगी। आपकी रोड्स बनने लगी, आपकी गाड़ियाँ बनने लगी, ठीक है, आपकी सड़कें बेहतरीन तरीके से हो गई, आपकी जो शिप्स थी पानी के जो जहाज़ थे उनमें आपके पास जो है वो अपग्रेड हो गए। तो ऐसा ऐसा करके आपकी हर चीज़ में बेहतरी आने लगी। रोड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड मेटल विद कॉन्क्रीट एंड बिटमिन कोलतार। आपकी जो कच्ची सड़कें होती थी या मैदान होते थे जिन पे सफ़र किया जाता था, बेहतरीन तरीके से उसमें रोड और बेहतरीन तरीके से मेटल मतलब प्रॉपर रोड्स बनाई गई जिसमें आपके पास डांबर डाल के पत्थर डाल के उनको प्रॉपर तरीके से बनाई गई ताकि इंसान का सफ़र आसान हो सके और जल्द से जल्द हो सके। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सफ़र करने का राबता करने का जरिया जितना बेहतरीन होगा उतना आपके पास मुल्क तरक्की कर सकता है। पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है रोड्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो आजकल के दौर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो है रोड्स। रोड्स क्यों इंपॉर्टेंट रखती है? क्योंकि रोड्स सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कार है कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना और उसका टाइम ड्यूरेशन आपके पास कम हो गया। जितनी बेहतरीन रोड्स बनती चली जा रही है उतना बेहतरीन सफ़र होता चला जा रहा है। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बेहतरीन जरिया है एक जगह से दूसरे शहर में जाना, एक गांव से दूसरे शहर गांव में जाना। बेहतरीन आपके पास रोड्स डेवलप कर ली गई हैं उनके जरिए सफ़र किया जाता है। रोड लिंक डिफरेंट सिटीज़ विद ईच अदर। आपके पास यही रोड्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ को आपस में लिंक करती है। पाकिस्तान हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अ रोड्स कवरिंग 259,758 किलोमीटर्स। यही बात हो रही है हाईवेज़ की, छोटे रोड्स की बात नहीं हो रही, शाहराओं की बात नहीं हो रही, हो रही हाईवेज़ की। वो बड़ी बड़ी रोड्स जो आपके शहरों को जो आपके गांव को आपस में मिलाती है, बड़े बड़े शहरों छोटे छोटे शहरों को आपस में मिलाती है। तकरीबन पाकिस्तान में 259,758 किलोमीटर के करीब आपके पर बड़े बड़े हाईवेज मौजूद हैं। इट इंक्लूड 1,62,879 हाई टाइप्स, मतलब आपके पास तकरीबन 1.5 लाख या 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर आपके हाई टाइप्स मतलब बेहतरीन किस्म के हाईवेज मोटरवेज आपके पास बने हुए। 96,849 लो टाइप्स ऑफ रोड। लो टाइप्स ऑफ रोड मतलब जो पुराने हाईवेज बने हुए, ठीक है, जो आजकल के मोटरवेज के मुकाबले में वो इतने अच्छे इस्टेब्लिश नहीं है। इम्पॉर्टेंट रोड्स पाकिस्तान में वो कौन से इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं जो आपके सामने जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं? सबसे पहला आपके पास है नेशनल हाईवे। ये पाकिस्तान का नेशनल हाईवे जो पाकिस्तान को कराची को कनेक्ट करता है पिशावर से, ठीक है। ये अगर हम ये देखें, ये आपके पास कराची है, कराची, और ये आपके पास पिशावर है। तो ये आपका जो हाईवे है ये आपको पहले हैदराबाद जाएगा, ठीक है, फिर हैदराबाद से आपके पास इसमें जो हैदराबाद आएगा नवाबशाह आएगा सखर आएगा, फिर पंजाब में आप आ जाएंगे बहावलपुर आ जाएगा, फिर आपके पास मुल्तान आ जाएगा, ठीक है। मुल्तान से आप फिर आपके पास यहाँ पर लाहौर, लाहौर से फिर आप होते हुए गुजरात, गुजरावाला, फिर आप पिंडी जाएंगे, फिर पिंडी से आप पिशावर जाएंगे। ये पाकिस्तान का सबसे ओल्ड और लॉन्गेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो हाईवे है। तकरीबन इसकी आपके पास जो लेंथ है वो 1735 किलोमीटर आपके पास की लेंथ मौजूद है। फिर क्वेटा कराची क्वेटा हाईवे विया खुदसर, ठीक है, ये आपके पास कराची है, ये आपके पास क्वेटा है, ये आपका नया हाईवे है, ठीक है, जो आपको कराची और यहाँ से बलूचिस्तान से आपको ये कनेक्ट करता है। आप कराची से मूव करते हैं, ठीक है, फिर आप लसबेला फिर वाद जाते हैं, फिर ये आपके पास खुदजर आता है, खुदजर से आप कलात जाते हैं और फिर आप यहाँ पर क्वेटा में कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपका नया हाईवे। फिर हमारे पास आता है कराची क्वेटा हाईवे विया जैकमाबाद। ये आपका पुराना हाईवे है जो आपके पास कराची से हैदराबाद से होता हुआ आपके पास शिकारपुर से होता हुआ फिर ये रास्ता आपको निकलता है जैकमाबाद और फिर आप जैकमाबाद से सिब्बी और देन आपको क्वेटा कनेक्ट करता है। ये आपका पुराना हाईवे है। इसकी लेंथ आपके पास तकरीबन 762 किलोमीटर्स है।
फिर आपके पास कोयटा पेशावर हाईवे है, या आपके पास कोयटा है, या आपके पास पेशावर, इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, या आपके पास कोयटा पेशावर हाईवे है, ठीक है, ये आपके पास तकरीबन जो इसमें जो आप कोयटा के ऊपर मुस्लिम बाग है, मुस्लिम बाग के ऊपर किला सैफुल्ला, फिर जो बनू, फिर कुहाट एंड देन पेशावर, ये आपके पास फिर आपका ये हाईवे आ गया। अब पेशावर कराची हाईवे जिसे हम कहते हैं इंडस हाईवे, ये पुराना आपके पास इंडस हाईवे मौजूद है, ठीक है, ये आपके पास कराची और इसको कनेक्ट करता है, ये आपके पास हाईवे जाता है लाड़काना से होता हुआ, यहाँ से हम कराची जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से आपके पास सेवन आ जाएगा, सेवन से आप निकलेंगे दादू वगैरह, ठीक है, दादू जाएंगे, सेवन जाएंगे, लाड़काना जाएंगे, शिकारपुर, शिकारपुर से आप कश्मीर जाएंगे, कश्मीर से आप यहाँ डेरा गाजी खान पंजाब में एंटर हो जाएंगे, फिर डेरा इस्माइल खान, ठीक है, यहाँ पे आप डेरा इस्माइल खान केपीके में आप एंटर हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप उसके बाद बनू, कुहाट एंड देन पेशावर, तो ये आपके पास केपीके, पंजाब एंड देन सिंध में आपके पास ये पुराना आपके पास हाईवे कहलाता है। फिर आपके पास है कराची और हैदराबाद सुपर हाईवे, आपने देखा हुआ जो कराची और हैदराबाद का जब जहाँ मोटरवे बन गया, ये आपका सुपर हाईवे, इसकी लेंथ जो है तकरीबन 170 किलोमीटर है, ये कराची और हैदराबाद को बेहतरीन तरीके से मिलाता है। फिर हमारा जो सबसे बेहतरीन हाईवे जो हम जो बना था तकरीबन, जिसको बने हुए भी तकरीबन 15-20 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा ऐसा हो चुका है, वो आपका है मोटरवे। हम इसे मोटरवे और हाईवे में क्या फ़र्क होता है, मोटरवे ये होता है कि एक वक्त में आपके हाईवे जो होते हैं उसमें एक वक्त में आपके पास सिंगल लेन होती है, एक वक्त में एक गाड़ी जा रही होती है, एक गाड़ी आ रही होती है, मगर मोटरवेज होता है कि उसमें आपके पास डबल रोड्स मौजूद होती है और एक वक्त में आपके पास 3 से 4 लेन्स चल रही होती है, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हर फैसिलिटीज़ के साथ वो आपका हाईवे बना हुआ होता है, उसमें हर चीज़ मौजूद होती है, तो हम उसे मोटरवे कहते हैं। आपके पास लाहौर इस्लामाबाद का जो मोटरवे है उसकी लेंथ तकरीबन 367 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान का बेहतरीन और इंटरनेशनल लेवल का आपके पास मोटरवे मौजूद है, इसके दोनों तरफ 3 लेन्स मौजूद है, मतलब एक वक्त में 3 गाड़ियाँ आने और जाने वाले रास्ते पर सफ़र कर सकती हैं, ये आपके पास लाहौर और इस्लामाबाद को बेहतरीन तरीके से मिलाता है। फिर सेकेंड हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है रेलवे। अदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान इज रेलवे। द नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान रेलवे कम्प्राइज ऑन द 7791 रूट किलोमीटर। पाकिस्तान का जो है पुराना मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी अगर हम देखें जो अंग्रेजों के दौर से चला आ रहा है वो आपके पास रेलवे है। रेलवे भी तकरीबन 7791 रूट, मतलब पटरियां डली हुई हैं आपके पास, 815 आपके पास स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन मौजूद हैं आपके पास छोटे बड़े शहरों में, 46 हॉल्ट जहां पर थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए आपके पास लोकल ट्रेन रुकती हैं, या फिर कुछ सेकंड्स के लिए आपके पास जो है वो जो लोकल ट्रेन होती हैं वो उनका होता है छोटा स्टेशन जिसे आप कह सकते हैं। मेजर एसेट इंक्लूडिंग 580 आपके पास डीजल इलेक्ट्रोमोटिव, आपके पास डीजल वाले, डीजल से चलने वाले भी और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी आपके पास इंजन मौजूद हैं। 2275 पैसेंजर कोचेज मौजूद हैं जिसमें हम आपके पास मुसाफिर जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, और तकरीबन 21,732 आपके पास फ्राइट वैगन्स, जो आपने अक्सर डब्बे देखे होंगे ब्राउन कलर के जो होते हैं वो वैगन्स होती हैं जिसमें आप सामान एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हो। पाकिस्तान में जो अभी जो रेल नंबर्स ऑफ ट्रेन जो है वो चल रहे हैं उसमें तेज़गाम है, अवामी एक्सप्रेस है, शालीमार है, खैबर मेल है, कराक्रम है और नाइट कोच है। इम्पॉर्टेंट रेलवे रूट्स, अब हम एक बात आप ये सुन लीजिए कि इम्पॉर्टेंट रेलवे रूट्स क्या है। आपके पास एक रेलवे ट्रैक है, मेन रेलवे ट्रैक जिसे हम कहते हैं, मेन रेलवे आपका ट्रैक जो है वो आपके पास है पेशावर कराची वेयर रावलपिंडी लाहौर एंड रोड़ी, ये जो काली लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपका मेन एक मेन ट्रैक है, ठीक है, ये आपके पास कराची से आपको जाता है हैदराबाद, हैदराबाद से फिर आपको सक्खर, सक्खर से फिर बहावलपुर, फिर मुल्तान, फिर आपको ये लाहौर लेके जाता है, लाहौर से होता हुआ फिर आपके यहाँ पिंडी जाता है, फिर पिंडी से होता हुआ पेशावर जाता है, ये आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट रूट है और ये एक मेन ट्रैक है। इसकी आपके पास लेंथ तकरीबन 1672 किलोमीटर है। ये आपका मेन एक रेलवे ट्रैक है जो कराची से लेके पेशावर तक आपको कनेक्ट करता है, और बाकी जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, जैसे रोड़ी एंड कोयटा, अगर आप रोड़ी पे आ गए हैं तो आपको रोड़ी पे आप यहाँ पर इस ट्रैक से चलेंगे, रोड़ी पे आते हुए फिर आप यहाँ से मुड़ जाएंगे और ये आपका ट्रैक चला जाएगा कोयटा की तरफ। इसी तरह मुल्तान एंड जैकमाबाद की हम बात करेंगे तो सेम यही होगा आपके पास कि ये जो आपका मेन ट्रैक है मुल्तान से लेके जैकमाबाद तक, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आपके पास सक्खर पे आएगा, सक्खर से मुड़ जाएगा जैकमाबाद की तरफ। इसी तरह कराची और फैसलाबाद का, कराची और फैसलाबाद का अगर ट्रैक की हम बात देखेंगे तो आपके पास लाहौर, लाहौर के बाद ये कराची और लाहौर का जो ट्रैक है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कराची और लाहौर का ट्रैक है यहाँ पर खानेवाल, ठीक है, खानेवाल से आपके पास ये मुड़ जाएगा और फैसलाबाद की तरफ चला जाएगा। ये वो सारे आपके ट्रैक्स हैं जो आपके मेन किसी ना किसी सूरत में आपका जो मेन ट्रैक है जो कराची से लेके आपके पास लाहौर तक का मेन ट्रैक है इसको आपस में कनेक्ट करता है।
फिर आपके पास हमारे पास ट्रेड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स आपके पास क्या है, ट्रेड आपको पता है तिजारत, और कॉमर्स आपके पास उसका मतलब जो आप कैलकुलेशन वगैरह उसका हिसाब रखते हैं वो कहलाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स आर द इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, आपके मुल्क में पैसे और माशी हालात को बेहतर बनाने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट फ्लरिश विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेड एंड कॉमर्स, आपकी जो कहना चाहिए काश्तकारी और आपकी सनतें जो तरक्की करती हैं वो इसी ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से तरक्की करती हैं। पाकिस्तान में दो किस्म के आपके पास, दुनिया में दो किस्म के ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं, पाकिस्तान में मौजूद है जो आपके पास इंटरनल या डोमेस्टिक, जो मुल्क के अंदर आपके पास ट्रेड की जाती है, जैसे आप कुछ चीज़ें जो है आपके पास, जैसे एग्रीकल्चर लैंड एरिया पंजाब बहुत अच्छा है, सिंध है, केपीके में भी होता है, बलूचिस्तान इतना अच्छा नहीं, मगर बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर होता है वो आपके पास जो है वो आपके पास हो जाएंगे फ्रूट्स वगैरह, तो आपस में सारे एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं चीज़ें, तो ये आपके पास जो है डेवलपमेंट कहलाती है। पाकिस्तान एक्सटर्नल, दूसरा जो आपके पास है पाकिस्तान एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड, पाकिस्तान एक्सटर्नल इंटरनेशनल ट्रेड कौन सी होती है, जो हम बाहर मुल्क से बाहर करते हैं। पाकिस्तान भी कुछ प्रोडक्ट्स बेहतरीन तरीके के बनाता है, वो जो प्रोडक्ट्स बेहतरीन तरीके के बनाता है उसमें आपके पास जो है आपके पास कॉटन क्लोथ्स हो गए, कारपेट्स हो गए, लेदर हो गए, स्पोर्ट बूट्स हो गए, बेहतरीन किस्म की बेहतरीन क्वालिटी के पाकिस्तान में बनते हैं और ये आप इसे फार एक्सपोर्ट करते हो। आजकल जो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ आपके पास ट्रेड एंड कॉमर्स है वो आपके पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स आपके पास ये एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, ये आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से बना किया जाता है कारोबार। आजकल की इस टेक्नोलॉजी में जो हर चीज़ कंप्यूटराइज है, आपके पास हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है, बेहतरीन तरीके से आपके पास तिजारत का मेन रिसोर्स है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, इससे बेहतरीन तरीके से आप अपने तिजारत का ठीक है और उसका हिसाब रख सकते हैं। ये आपको मदद करता है आपके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में भी, ठीक है। आप अपने आसानी से अपना सामान जो है या चीज़ें जो पेमेंट जो है वो भी आप इंटरनेट के जरिए से कर सकते हो, और ये आपके पास ई कॉमर्स जो है बेहतरीन जरिया है, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का, कि आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उसमें आप अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स की सेल, जो भी आप सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो और आसानी से हर इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेगा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो यू डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।